और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। चीन के बहाने ओवैसी ने मोदी सरकार पर वार किया है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर एक बड़ा हमला किया है और ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी की विदेश नीति विफल रही है, फेल हो गए हैं पीएम मोदी अपनी विदेश नीति में। तीखा वार करते हुए ओवैसी ने यहां पीएम मोदी पर निशाना साधा। ये पहली मर्तबा चीन ने एक दहशतगर्द टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से रोकने के लिए चीन ने हमारा तआवुन नहीं किया, और मैं ये समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झूला डिप्लोमेसी की नाकामी है, क्योंकि ये सिर्फ झूला डिप्लोमेसी कर रहे हैं, झूला डिप्लोमेसी की नाकामी है। और आए हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हर टीवी चैनल के ऊपर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आकर पूरे मुल्क को नेशनलिज्म के ऊपर और सिक्योरिटी पर ज्ञान देते हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि कहां गए आपकी गीरत, कहां गए आपका नेशनलिज्म और सिक्योरिटी। चीन जब एक टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से रोक रहा है तो आपकी सरकार चीन को 630 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करती है ताकि आर्मी को बुलेट प्रूफ वेस्ट मिल सके, वहां से क्यों खरीद रहे हम वहां से? जब एक कंट्री हमसे एक टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से हमारी मदद नहीं कर रहा है तो इतनी भी हमारी इज्जत नफ्स नहीं है हमारे पास कि हम ऑर्डर को कैंसिल कर सके? क्या दुनिया में क्या खाली चीन से हम खरीद सकते बुलेट प्रूफ वेस्ट, कि और कोई नहीं देने वाला है हमारे पास? तो इससे जाहिर हो रहा है कि इनके तमाम जो बड़े बड़े दावे हैं वो झूठ पर मुबन्नी है। पूरे मुल्क की आवाम के सामने सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दहशतगर्द, जिसका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, जिसको चीन ने फिर से इसकी पुष्पनाही कर रही है, मगर हम वैसे थे कंट्री, हम क्यों चीन को ऑर्डर प्लेस करते हैं बुलेट प्रूफ का? मगर ये बात सच साबित हुई कि नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो झूला डिप्लोमेसी है जो फिर से नाकाम।